अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि कल की वीडियो में मैंने बताई थी कि मैं फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि हमारी ट्रैवलिंग भी होने वाली है और रोज़ा भी होगा। देखते अगर आज चांद हुआ तो कल हमारा रोज़ा और सहरी भी बस में होगी, देखते हैं। और अभी नेक्स्ट डे है और आज हमें जाना है मुंबई और सुबह से तैयारी हो रही है जाने की और अभी बज रहे हैं 11। और मैंने पहन ली जो मुझे ट्रैवलिंग में पहनना था, जीन्स पहन ली कंफर्टेबल और टी शर्ट पहन ली हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ नारियल पानी लेने के लिए और सब पियेंगे थोड़ा नारियल पानी। बहुत मन कर रहा था मेरा दो दिन से, बट मैं सुबह इतना जल्दी उठ रही नहीं थी कि मैं नारियल पानी लेकर आऊँ, और फिर दोपहर का टाइम हो रहा था तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता पीने में। तो मैं अभी जाती हूँ और नारियल पानी लेकर आती हूँ, और बाकी पैकिंग तो मेरी पूरी हो गई है और खाली बैग्स नीचे लेने हैं हमें। और अभी मैं लेकर आती हूँ नारियल पानी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये हमारा सारा लगेज जो नीचे के रूम में ला के हमने रख दिए थे, और अभी सबसे मिलने के बाद हमारी जर्नी होती है स्टार्ट। हम लोग बैठ गए बस में और दोपहर का टाइम हो रहा है तो धूप भी बहुत लग रही है। तो ये खाना हम लोग पैक करके लाए थे, ये पुलाव जो है मसूर पुलाव ये मामी ने दिए थे, और चिकन रैप्स मम्मी ने बनाए थे, और ये ना मिर्ची फ्राई करके टीना दीदी ने स्पेशली पुप्पी के लिए दिए थे। तो 3-4 घंटे बाद हमारी बस जो थी एक स्टॉप पर रुकी थी। अब यहाँ पर हम लोग चाय पियेंगे और मैगी खाएंगे। तो ये जो स्टॉप्स पर रुकते हैं ना बस, वहाँ पर मैगी बहुत अच्छी मिलती है, तो जब भी हम जाते हैं तो ये मैगी ज़रूर लेते हैं। तो मगरिब के बाद चांद दिख गया, तो आप सभी को चांद रात मुबारक। बस में चढ़ के सो गए, तो अभी हो रहा है सहरी टाइम और बस बहुत ज़्यादा हिल रही है, बट हम लोग अभी कर रहे हैं सहरी, उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कल जो थी हमारी, हमने सहरी किए थे उसके बाद हम सो गए थे, और बस में मतलब ट्रैवलिंग में फर्स्ट टाइम हम लोग ने सहरी की है और रोज़ा था, और 8 बजे सुबह के हम पहुंच गए मुंबई। और आज का जो स्टे हमारा है होटल में हो रहा है, और मे बी 1-2 दिन में जो है हम घर में शिफ्ट हो जाए इंशाल्लाह। और अभी है हमारा रोज़ा, और राइट नाउ इफ्तारी का टाइम होने आया है, बहुत नज़दीक है, 1-1.5 घंटा ही है बस। तो अभी इफ्तारी की सब तैयारी करते हैं, देखते क्या खाएंगे आज, लेकर आते हैं मस्त कुछ चिकन। क्या भूख भी बहुत लग रही है मुझे, रोज़ा लग रहा नहीं है ऐसे तो इतना, क्योंकि सहरी में हम लोगों ने दही और वो सब खाए थे ना, तो दही से इतना प्यास नहीं लगती पूरा दिन, तो आई एम ओके। अभी जाकर इफ्तारी लेकर आते हैं, और पूरे रूम में जो है ना सब कुछ सामान हमारा बिखरा हुआ है, क्योंकि इतना सारा सामान ला कर फौरन रख दिए थे। तो अभी बस आप लोगों को मिलती है इफ्तारी के टाइम पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फर्स्ट इफ्तारी अच्छे से हो गई थी, और इफ्तारी के बाद तो चाय चाहिए ही रहती है, तो हमने फौरन चाय ऑर्डर करके पी है। तो शाम को चाय पीने के बाद, रेडी होने के बाद हम लोग चले गए मोहम्मद अली रोड, जो हमें जाना था बहुत टाइम से, और मतलब गांव में थे। रमज़ान में तो यहाँ पे मज़ा ही होता है, और हम लोग रमज़ान में इधर आते ही है, मतलब मोस्टली रोज़ रात को आ जाते हैं, बट अभी इतनी रश नहीं था, और ना स्टार्टिंग डेज है इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा दिन आगे जाते जाएंगे और रश बहुत होते जाएगा इधर। तो फिर मोहितो पीने के बाद हम लोग थोड़ा घूम रहे थे मोहम्मद अली रोड पर ही, और इसके बाद मुझे लग रही थी भूख, और अब देखते हैं मैं क्या लूंगी खाने के लिए। तो अभी मैंने ली हूँ चिकन जिंगर रैप, अब खोल के इसको खाते, बहुत भूख लग रही है मुझे, तो ये रैप तो बहुत टेस्टी है। और ये रैप खाने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी, फिर होता है सहरी का टाइम। तो अभी सहरी में हम लोग खा रहे हैं पाव खीमा, और मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट जो है फिरनी
और मम्मी के सबसे ज़्यादा फेवरेट जो है सांदल, वो रमज़ान स्पेशल है हमारा, सबसे ज़्यादा फेवरेट हम लोग रमज़ान में मोस्टली बहुत खाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।